उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा मुखिया का चेहरा बदले जाने पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष व द्वाराहाट के पूर्व विधायक मदन बिष्ट ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि सीएम का चेहरा बदलने से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी सरकार ने पहले भी साल 2007 में सत्ता में आने के बाद सीएम को दो बार बदला था, लेकिन परिणाम यह हुआ कि 2012 के चुनाव में प्रदेश की बागडोर कांग्रेस के हाथों में आ गई। अल्मोड़ा पहुंचे मदन बिष्ट ने कहा कि बीजेपी की सरकार में आज महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान करने की बजाय बीजेपी सीएम बदल रही है। जनता बीजेपी की नीतियों से परेशान है, जिसका खामियाजा बीजेपी को आगामी 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं द्वाराहाट के वर्तमान विधायक महेश नेगी पर लगे यौन शोषण के मामले में मदन बिष्ट ने दो टूक कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, सरकार चाहे कितना ही बचाने की कोशिश करे, दोषी आखिर कानून से कब तक बचेगा। मुख्यमंत्री बदलने से और चेहरे बदलने से क्या बेरोजगारी दूर होगी, क्या महंगाई कम होगी, क्या अन्य जो साधन जो पहाड़ के अंदर अभी कमी रह रही है, चाहे वो विकास के मामले में हो, सड़क के मामले में हो, पानी के मामले में हो, ये चीज़ यदि चेहरा बदलने से कम हो जाएगा तो चेहरा बदलना ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि चेहरे बदलने से जो है बेरोजगारी कम होगी और महंगाई जो आज चरम सीमा पर हो, चाहे गैस के सिलेंडर हों, आप देख खुद ही देख रहे हैं दिसंबर के महीने से अभी तक 225 रुपये गैस के सिलेंडर में बढ़ा, तेल 2300 रुपये का आज तेल का कनिस्टर है, जो आज से चार महीने पहले 1500-1600 का कनिस्टर, महंगाई चरम सीमा पे है। तो मैं तो नहीं समझता कि बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा। पहले भी आपने देखा होगा 2007 में चेहरे बदले थे, फिर उसके बाद में 2012 में फिर कांग्रेस आई थी, तो अब भी 2022 में हम सभी लोग एकत्रित होकर मेहनत करके हम कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे।